आज राजेश खन्ना को अंतिम विदाई दे दी गई। उनकी अंतिम यात्रा मुंबई में शुरू हुई थी और गंगा घाट पर खत्म हुई। काका ने ये यात्रा अपने परिवार के साथ पूरी की। उनकी अस्थियों का कलश लेकर उनका परिवार गंगा घाट पहुंचा और वहां उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया, साथ ही पिंडदान भी किया गया। इकबाल ममदानी और हिमांशु कुशवाहा की ये रिपोर्ट। खुश रहना मेरे नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। काका चले गए लेकिन उनकी यादें अभी भी जिंदा हैं। प्यार की दुनिया में आज भी काका का साथ दे रहा है उनका परिवार। काका को आज भी सीने से लगाए हुए हैं डिंपल। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे। बेटी रिंकी पूरा ख्याल रख रही हैं काका की अस्थियों का। काका की गैर मौजूदगी से डिंपल उदास हैं। रिंकी के चेहरे से भी मुस्कुराहट गायब है। फिर भी काका के अस्थि विसर्जन की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं डिंपल और उनकी बेटी रिंकी। इस जिम्मेदारी में उनका साथ दे रहे हैं भूपेश, जिन्हें काका अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। देखिए आज ऋषिकेश में गंगा किनारे काका को अंतिम विदाई दी इन तीनों ने। उत्तराखंड की पवित्र नगरी में काका गंगा की गोद में समा गए। आज सुबह करीब 6:30 बजे डिंपल और रिंकी काका की अस्थियों के साथ मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। तो भी देखो मन नहीं जागे। दोनों के हाथों में एक एक कलश है। डिंपल के पास बड़ा कलश दिखा तो वहीं रिंकी के हाथों में छोटा। कलश लेकर दोनों सीधे एयरपोर्ट के अंदर चली गईं। काका की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए दोनों ने यहां से देहरादून की फ्लाइट ली। करीब 12 बजे दोनों देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से बाहर निकली। यहां काका के छोटे भाई भूपेश भी उनके साथ दिखाई दिए। इसके बाद तीनों कार में बैठकर सीधे ऋषिकेश के लिए निकल गए। करीब 1.25 घंटे बाद वो ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश के बिरला घाट पर काका के अस्थि विसर्जन के लिए पहले से तैयारियां हो रखी थी। बिरला घाट पर डिंपल लोगों से वहां ना आने के लिए कह रही हैं। इसके बाद तीनों घाट किनारे जाकर बैठते हैं और शुरू हो जाती है काका के अस्थि विसर्जन की रीति। पूरे मंत्रो जाप के साथ करीब 1:45 बजे डिंपल अपने हाथों से काका की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर देती हैं। मंत्र होते हैं कुछ जो बताए नहीं जाते, तो इसका अस्थि प्रवाह करो, ये कर्म करवाया, इनका पिंडदान किया और उसके बाद इनकी नाम एंट्री वगैरह की और उन्होंने अपना जो सिग्नेचर वगैरह करे। काका की अस्थियां लेकर रिंकी भी माँ डिंपल के साथ ऋषिकेश गयी, लेकिन काका को गंगा के हवाले किया खुद उनकी जीवन साथी ने। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी। काका को आखिरी विदाई देते वक्त डिंपल की आंखें भर आई थीं। रिंकी और भूपेश भी काका की यादों में खोए हुए थे। इससे पहले सुनने में आया था कि काका की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए अक्षय भी आएंगे, लेकिन अक्षय नहीं आए। मुंबई से इकबाल ममदानी के साथ ऋषिकेश से हिमांशु कुशवाहा की रिपोर्ट।